हमास के हमलों से शुरू हुए युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। ईरान समर्थित कई उग्रवादी समूह इसराइल पर हमलावर हैं। इजरायली पीएम की जिद ने इस युद्ध को विकराल बना दिया है। हमास के खात्मे से शुरू हुई जंग में हर दिन इजरायली जवान अपनी जान गंवा रहा है, तो वहीं हमास एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरा है। हमास को फिलिस्तीन के बाकी चरमपंथी समूहों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे इसराइल चौतरफा हमलों का सामना करने के लिए मजबूर है। जहां गाजा में इजरायली सेनाएं हमास का सामना कर रही हैं, तो वहीं इराक के प्रतिरोधी गुट इसराइल पर बम बरसा रहे हैं। यमन के हुती समंदर से इसराइल को नुकसान पहुंचाने में तुले हैं। उत्तरी इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों का काला साया मंडरा रहा है। ऐसे में इजरायली सेना मिडिल ईस्ट की आग में फंस गई है। लेबनान के प्रतिरोधी गुट के हिंसक हमलों से त्रस्त इसराइल अब हमास के साथ साथ लेबनान से भी जंग कर सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह में भीषण युद्ध छिड़ सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट में अब एक नए युद्ध के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हाल ही में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के हिजबुल्ला के साथ युद्ध छिड़ने का इशारा भी किया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने बड़ा बयान देते हुए मिडिल ईस्ट की टेंशन और बढ़ा दी है। ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईरान लेबनान पर हमला करने के इरादे पर इसराइल के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है। अगर लेबनान पर इसराइल ने हमला किया तो ये विनाशकारी युद्ध का रूप ले लेगा। सभी प्रतिरोधी मोर्चे की भागीदारी समेत सभी विकल्प मेज पर है। दरअसल हाल में IDF ने कहा था कि इसराइल ने लेबनान में हमलों के लिए ऑपरेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। इस पर हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने कहा कि टकराव बढ़ने पर अल जलील पर हमले की संभावना बनी रहेगी। अमेरिका ने भी इस विवाद में कूदते हुए कहा था, अमेरिका लेबनान में हिजबुल्ला के साथ युद्ध के खिलाफ इसराइल की मदद करने में सक्षम नहीं होगा। बीते दिनों इसराइली मीडिया ने भी खुलासा किया था कि अगर दोनों में युद्ध छिड़ता है तो इसराइल घुटनों पर आ जाएगा। इसराइल की थकी हुई सेना एक और युद्ध का सामना करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने अपने पुराने तेवर बरकरार रखे हैं। हिजबुल्ला ने इजरायली संपत्तियों और बलों के खिलाफ अपने खतरनाक लाव लश्कर से बड़ा हमला बोला। इससे इसराइल के 12 अलग अलग जगहों पर अलर्ट सायरन तक बज गए। इसराइली मीडिया ने भी पश्चिमी अलजलील में 3 हिजबुल्ला ड्रोनों के हमलों को रिपोर्ट किया। इन्हें काबू करने के लिए इसराइल ने इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, मगर IDF मानव रहित हवाई वाहनों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। हिजबुल्ला ने दावा किया कि इसराइल की नाकामी एक बार फिर सबके सामने है। बताया गया कि दक्षिण लेबनान से दागे गए रॉकेट और तोपखाने के गोले से उत्तरी इसराइल इलाकों में भीषण आग लगी है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि क्या इसराइल लेबनान में जंग छेड़कर तनाव को और बढ़ाता है या फिर धमकी मात्र भर से लेबनान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेता है।